पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और हासन सीट से मौजूदा जेडीएस सांसद और उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन रेवन्ना का एक जो वीडियो सामने आया है उसने भी हलचल मचा दी है। इसमें वो कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ गलत हरकत करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि रेवन्ना ने वायरल वीडियो को लेकर के ये कहा है कि ये एडिटेड है और मॉर्फ्ड है, लेकिन सभी आरोपियों से खारिज करते हुए भी वो भाग गए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसी बीच हासन सीट पर जब 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद रेवन्ना जर्मनी चले गए, जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा हुआ एक वीडियो क्लिप सामने आया। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज यानी 26 अप्रैल को वोटिंग के अगले ही दिन ये वीडियो सामने आया। 26 अप्रैल को रेवन्ना की सीट हासन पर वोट डाले गए थे। वीडियो सामने आने के बाद कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने मामले की जाँच के लिए SIT बना दी। SIT बनाने का फैसला राज्य महिला आयोग की सिफारिश के बाद हुआ। आरोप है कि इस स्कैंडल के एक वीडियो को कथित तौर पर सांसद ने शूट किया था। हासन निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से इसे प्रसारित किया गया था। इसके बाद एक महिला ने रविवार को प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ होलेन रसीपुर में पुलिस स्टेशन जाकर के मामला दर्ज करा है। महिला ने आरोप लगाया कि साल 2019 से 2022 के बीच में कई बार उनका यौन शोषण किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ भी अश्लील बातचीत की। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता SD रेवन्ना ने भी पत्नी की गैर मौजूदगी के दौरान उनका यौन शोषण और यौन उत्पीड़न किया। महिला ने दावा किया कि उनकी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अब जान का खतरा है। दरअसल ये पूरा खुलासा BJP नेता देवराजे गौड़ा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में होले नरसिंहपुर में उम्मीदवार के दौरान ये दावा किया था कि उन्हें पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्रन को एक चिट्ठी लिखकर प्रज्वल रेवन्ना और SD देवगौड़ा परिवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। अब देवराजे गौड़ा ने दावा किया है कि एक पेनड्राइव उन्हें मिली जिसमें महिलाओं के 2976 वीडियो मिले, यानी करीब 3000 वीडियो मिले। इन वीडियो क्लिप के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता था ताकि उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मजबूर किया जा सके। उनका ये उत्पीड़न इन्हीं वीडियो के मार्फत किया जाता था। राजे देवगौड़ा ने कहा कि अगर हम JDS के साथ गठबंधन करते हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए हासन में JDS उम्मीदवार को नामांकित करते हैं, तो इन वीडियो को हमारे खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इन पर दाग लग जाएगा कि हमने ऐसे परिवार के साथ गठबंधन किया है जिसके सदस्यों पर बलात्कार के आरोप है। यह राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि 33 साल के प्रज्वल रेवन्ना ने इन वीडियो को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हुए ये वीडियो से छेड़छाड़ करते हुए वायरल किया गया है। वायरल वीडियो होने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शनिवार की सुबह वो जर्मनी के लिए चले गए। इसी के बाद से इस मामले ने जोर पकड़ लिया है। प्रज्वल रेवन्ना के पिता SD रेवन्ना पर भी उनकी घरेलू सहायिका ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। SD रेवन्ना होले नसारीपुर में निर्वाचन क्षेत्र से JDS के विधायक भी हैं। प्रज्वल रेवन्ना के वायरल वीडियो को लेकर कर्नाटक की राजनीति में घमासान शुरू हो गया है। यह विवाद JDS और BJP के बीच राजनीतिक झगड़े में भी अब बदलता नजर आ रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने रेवन्ना के लिए वोट तक मांगे थे, एक सभा भी की थी। कथित सेक्स टेप को लेकर के उठे विवाद के बीच में BJP ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। BJP के प्रदेश प्रवक्ता S प्रकाश ने कहा कि एक पार्टी के रूप में हमारा वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल में राज्य सरकार की घोषित SIT जांच को लेकर कोई टिप्पणी करनी है। इसके अलावा कांग्रेस हालांकि हमलावर है। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा और JDS के नेता SD कुमार स्वामी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वो अपने भतीजे से जुड़े कथित स्कैंडल की जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। जिसका भी ये काम हुआ है उसे माफ करने का कोई सवाल नहीं है। JDS के एक अन्य नेता सारंगा गौड़ा ने भी प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर देने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने एक लेटर भी लिखा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर के हमलावर है। प्रियंका गांधी ने यहां तक टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री को
हर नेता के बारे में सब कुछ पता होता है, क्या इसके बारे में भी उन्हें पता है? इस बारे में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। प्रियंका ने निशाना साधते हुए ट्वीट करते हुए और एक रैली में संबोधित करते हुए भी कहा कि जब सबके बारे में प्रधानमंत्री को पता होता है तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए था, या हो सकता है उन्हें पता रहा हो। यानी अब रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, भले वो विदेश में चले गए हों लेकिन पार्टी और परिवार की किरकिरी जरूर हो रही है। इसी की चपेट में बीजेपी भी है, यानी दक्षिण का जो हासिल करने का जो उनका सपना था वो कहीं ना कहीं ये वीडियो उस पर बट्टा लगाता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।